हेलो फ्रेंड्स, तो आज जुड़ चुके हैं हम एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2 BHK का फ्लैट जो कि 60 स्क्वायर यार्ड्स में बना हुआ है। ये काफ़ी ही स्पेशियस रहने वाला है और इस फ्लैट में आपको वेंटिलेशन की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि आपके बेडरूम्स और लिविंग हॉल में विंडो मिल जाती है। इस फ्लैट में आपको लिफ्ट और पार्किंग की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। ये नियर बाई द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। ये एक लोनेबल और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जहां पर हम आपको 80-90% तक का लोन करवा के देंगे। तो क्या सारी डिटेल्स ऐसे ही सुनेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे? तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ जाता है हमारा लिविंग हॉल। इसमें अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है जो 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम आपकी पसंद का वॉलपेपर लगा कर देंगे। ऊपर की फॉल सीलिंग देखिए जो काफ़ी ही यूनिक डिज़ाइन में बनाई गई है। सोफ़ा के फ्रंट में ही आपको मिल जाता है टीवी पैनल जहाँ पर आप अपने 43 इंच के टीवी को ईजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और लिविंग हॉल में ही आपको वेंटिलेशन के लिए मिल जाती है विंडो। और इस तरफ आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम। ये कॉमन वॉशरूम काफ़ी ही स्पेशियस रहने वाला है जहां पर हम आपको प्रीमियम क्वालिटीज़ की टैप और वॉश बेसिन शीट सब लगा कर देंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। बेडरूम में जाने से पहले देख लीजिए एक बार ये हमारी लॉबी का एरिया जो काफ़ी ही वाइड रहने वाली है। और ये आ गया हमारा फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम हमारा 10x12 का रहने वाला है। ऊपर की फॉल सीलिंग देखें तो काफ़ी ही यूनिक डिज़ाइन में हम आपको बना कर दे रहे हैं। इसमें भी हम आपकी पसंद का वॉलपेपर लगा कर देंगे। और वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर मिल जाती है विंडो। इस रूम में भी आपको वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं रहने वाली। बेड के फ्रंट में ही आपको मिल जाता है टीवी पैनल और वार्डरोब जहां पर आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा मॉड्यूलर किचन। इस मॉड्यूलर किचन को हमने सेपरेटली ही डिज़ाइन किया है। इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। सामने ही आपको नॉइस प्रूफ सिंक मिल जाती है और यहां पर आपको सैनिटरी सब लगा कर देंगे। एल टाइप का ये हमारा स्लैब रहने वाला है। स्टोरेज के लिए आपको नीचे ड्रॉर्स और ऊपर कैबिनेट्स मिल जाते हैं सामान रखने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम है। ये भी काफ़ी स्पेशियस रहने वाला है। इसकी फॉल सीलिंग को भी हमने अपने फर्स्ट बेडरूम की तरह ही डिज़ाइन किया है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर मिल जाती है विंडो और बेड के सामने ही आपको मिल जाता है टीवी पैनल जहाँ पर आप अपना 45 इंचेस का टीवी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं। इस रूम में आपको अलमीरा भी देखने के लिए मिलेगा जहां पर आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। ऊपर आपको विंडो एसी का प्रोविज़न दिया गया है। और ये आ जाती है हमारी बालकनी। ये बालकनी काफ़ी ही लॉन्ग रहने वाली है। सामने की तरफ हम आपको टैब लगा कर देंगे जहां पर आप अपनी वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए आपको एक सॉलिड स्टील से रेलिंग बनाकर दी गई है। और ये आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम जो कि टॉप तक टाइल का वर्क हम आपको करके देंगे। तो ये फ्लैट की विजिट यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये फ्लैट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और अगर आपको ये फ्लैट पसंद आया हो, इसका प्राइस जानना हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।